प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस और स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जारी की गई है, जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप इच्छुक हैं तो राजस्थान सरकार की तरफ से यानी राजस्थान में आपका 1057 पदों पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 अगस्त से जो है आपका भरा जाएगा। एज लिमिट जो है मैक्सिमम आपका 40 साल यहाँ पे जो है रखा गया है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC राजस्थान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया है। इसके साथ ही आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में 43 असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर यानी ASO का भी नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। आवेदन शुरू होने के बाद यानी 14 अगस्त के बाद आप rpsc.rajasthan.gov.in पे जाकर जो है अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म जो है 14 अगस्त से 12 सितंबर तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जो है आपका एज मतलब जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है यानी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, BE या BTEC डिग्री आपके पास होना चाहिए फॉर असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो है मैथ्स या स्टैटिक्स या कॉमर्स में मास्टर डिग्री आपका कम से कम होना चाहिए, सेकंड क्लास से आप पास होने चाहिए यानी सेकंड डिवीजन से आप पास होने चाहिए। एज जो है मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो है आपका 21 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल। उससे 40 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 21 साल से कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, दोनों के बीच में है तभी जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात किया जाए तो जनरल को 600 रुपया या अन्य राज्यों वाले के कैंडिडेट को 600 रुपया, OBC और BC को जो है 400 रुपया, SC ST को भी जो है 400 रुपया आपका लगेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर बात किया जाए असिस्टेंट इंजीनियर का तो प्री मेंस और इंटरव्यू लिया जाएगा, बट अगर असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बात किया जाए तो सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पे लिया जाएगा। पेमेंट सैलरी जो है बात किया जाए तो लेवल 1 से 11 के अनुसार आपका यहाँ पे दिया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न अगर बात किया जाए तो प्री जो एग्ज़ाम है उसमें ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, हर पेपर के लिए जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 1 में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, वही पेपर 2 में जो है 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक जो है आपके कट जाएंगे। मेंस का एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में ही होगा। पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यह पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाले हैं, जिसका पेपर का लैंग्वेज जो है हिंदी या इंग्लिश में आपका होने वाला है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पे जाकर जो है आप अपना फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिल सके।